हम कैसे नीचे गिरते हैं, फिर कैसे ऊपर उठते हैं, कैसे कैसे पार्ट बजाते हैं, तो सारा चक्र बुद्धि में याद रहेगा तो ये भी याद आ जाएगा कि नीचे गिरने का कारण क्या और ऊपर उठने का कारण क्या। और संगम युग में ज्ञान से टूटते नहीं है, दूसरों दूसरों की बातें सुन करके उनके प्रभाव में नहीं आ जाते हैं, नहीं आते हैं, अभी नहीं आते। अगर नहीं आते हैं तो कहेंगे 100% निश्चय बुद्धि, अगर प्रभाव में आ जाते हैं तो कहेंगे अनिश्चय बुद्धि। अनिश्चय बुद्धि मरंती, अनिश्चय बुद्धि विजयंती। तो एक के अलावा अंत तक अनिश्चय बुद्धि तो सब बनते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में जो अकालिक मृत्यु होती है जिसकी, फिर उसकी कहते हैं कि नारायण बलि करवाओ, है नारायण बलि, नारायण बलि करवाओ तो उसकी मुक्ति हो जाती है। नारायण बलि क्या होती है? तो पंडित कुछ बताते हैं और नारायण जिस नारायण बलि हमारे यहाँ बोलते हैं नारायण बलि। भक्ति मार्ग में जो कुछ भी चलता है वो सब कहाँ की यादगार चलती है? है संगम युग की यादगार चलती है। संगम युग में ब्रह्मा की सोल अकाल मृत्यु प्राप्त करती है, तो अकाल मृत्यु प्राप्त करने वाली ब्रह्मा की सोल जो नर से नारायण बनती है उसके लिए पूरी अर्पण होती है या नहीं होती है? होना पड़ता है या नहीं होना पड़ता है? होना पड़ता है, तो नारायण बलि हो गई। बैल बनेगा, सवारी बनेगा कि नहीं बनेगा? तो शंकर को बैल के ऊपर सवार दिखा दिया, नाक में नकेल डाल दी, जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे, तो बलि चढ़ गई ना। और उसका क्या राज है और उन वाणियों में क्या ज्ञान होगा? 4-5 साल की वाणियां हैं जिसके हम लोग पढ़ रहे हैं, 65 से 60। कोई न कोई पुरानी गीता पाठशाला होगी उस समय की, जिस समय लिट्ठो कापियां निकाली जाती थी शुरुआत में, जब कमला नगर सेंटर की स्थापना हुई थी, कानपुर में सेंटर की स्थापना हुई थी, तो कापियां तो निकालना शुरू हुई ना। वो कापी कोई न कोई गीता पाठशाला में पड़ी होनी चाहिए या नहीं पड़ी होनी चाहिए? वो निकलेंगे। बिल्कुल कवर होगा, वो तो छोड़ो, जो कराची में जमीन में गाड़ करके लोहे की संदूकची में बंद कर दिया वो भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? वो भी निकलेगा। पीयू की वाणी है,
कुछ किया जाता है। जब प्रजापिता की बात पहले सुनाते थे, धड़ल्ले से सुनाते थे मजमे में, फिर जैसे ही एडवांस ज्ञान शुरू हुआ, प्रजापिता की बात मुख से निकालना बिल्कुल बंद कर दिया। इससे साबित हुआ कि प्रजापिता के साथ ऐसा कोई गहरा संबंध था जिस संबंध की बात खुल जाने से नाक नीची हो जाएगी। बाबा ने तो साफ बोल दिया कि शुरू से धोबी घाट चलता चला आया। धोबी घाट में क्या होता है, क्या होता है, वो कौन से कपड़े हैं? और शरीर रूपी कपड़े थे, वहां धुलाई हो रही थी। कारण अकारण दुनियावी लोगों के प्रभाव में आने के कारण झगड़ा शुरू हो गया पवित्रता की बात पर। ब्रह्मा बाबा तो अपने चौकड़ी मार के कराची में चले गए, पुराने बंगले में। वहां दो पार्टियां बन गई, दो पार्टियों में झगड़ा हुआ। जो उस समय के लोगों के बड़े बड़े पुराने पुराने जो पंथ पर चलने वाले थे, उनके प्रभाव में आ गए यज्ञ के लोग। वो फिर प्रजापिता के तरफ थोड़े ही रहेंगे। नाम निशान ही चौपट कर दिया, लाश ही गुम कर दी। है क्यों माने बाप? हाँ, जैसे बोली वो बताया कि फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण देखो कैसे 84 लाख जन्म लेने के बाद महामूर्ख बन जाते हैं। हाँ, फर्स्ट नंबर कौन सा है और सेकंड नंबर कौन सा है? अरे कोई फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, फर्स्ट बोला है तो सेकंड भी कोई होगा ना, तो कौन है फर्स्ट और कौन है सेकंड? है कृष्ण, दोनों ही कृष्ण है। फर्स्ट नंबर कृष्ण वो भी कृष्ण है, सेकंड नंबर भी कृष्ण है। कृष्ण बड़ा होता है तो नारायण बनता है, शतुघ में तो 8 नारायण हुए, तो फर्स्ट नंबर कृष्ण कौन है? जो संगम युग में कृष्ण के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है और भक्ति मार्ग में जिसका गायन होता है, जो सेकंड नंबर कृष्ण है वो तो सतयुग में पैदा होगा, उसका तो कोई गायन है ही नहीं। जो फर्स्ट है वो फास्ट जाता है, जो फास्ट जाता है वही लास्ट में फिर प्रत्यक्ष होता है। ये जो महारथी है इस समय बैठक में, क्या इनमें से कोई अंत तक सूर्यवंशी बनेंगे? बन नहीं रहेंगे अभी, महारथी हमारे पुराने पुराने दीदी दादी दादाएं जो कहे जाते हैं, मान मर्तबा ले रहे हैं, तो दोनों तरफ माल मर्तबा थोड़ी मिलता है। या तो उधर ले लिया, या तो इधर लिया। इधर जो आते हैं वो सब गरीब निवाज बाप के गरीब बच्चे होते हैं, या दुनिया भी मान मर्तबा लेने वाले होते हैं। बाबा जैसे भोपाल के महेंद्र भाई ने भी सीधे छोड़ा, भोपाल के महेंद्र भाई ने सीधे छोड़ा, भोपाल के महेंद्र भाई ने शरीर छोड़ दिया जो पहले आगरा में थे। और गुरदासपुर की सुमन बहन ने भी सीधे छोड़ दिया, गुरदासपुर सेवा केंद्र की सुमन बहन उसने भी सीधे छोड़ दिया। सुमन बहन इनको भी सूक्ष्म शरीर से ही पार्ट में जाना पड़ेगा या इनका भी जन्म होगा? जिन्होंने बेसिक नॉलेज पर पूरा विश्वास रख करके शरीर छोड़ा है, उनको तो ब्रह्मा की ही गति मिलेगी, पुनर्जन्म नहीं मिलेगा।
हाथ उठा दो, हाथ से उठा दो, हाथ नारायण जी का। हाँ हाँ, अगर वो फेल नहीं होगा तो सारी दुनिया फेल कैसे होगी? अंतिम जन्म में जाकर के 84वें जन्म में जाकर के सब फेल होंगे कि नहीं होंगे? हैं? सब फेल होंगे, सब फेल होंगे। उन फेल होने वालों में पहला नंबर किसका होगा? वो होगा तो सब फेल होंगे, वो पास होगा तो सब पास होंगे। और प्रजापिता को तो वैसे ही शास्त्रों में दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? है कौन सा मोहरा लगा दिया बकरे का, माने उसको भी अहंकार आता है कि नहीं आता है? प्रभुता पाए काहे मदनाही, जब कुर्सी मिल जाती है तो उसका अहंकार चढ़ता है। किसको? आत्माओं को या परमपिता परमात्मा को? आत्माओं को अहंकार चढ़ता है। बाबा किसी किसी चित्र में कन्या की जगह पर फूल दिखाया शंकर के जुड़े में, किसी चित्र में कन्या की जगह पर फूल को भी दिखाया गया। फूल और कन्या इन दोनों का आपस में क्या संबंध है? फूल का क्या भाव है? फूल माने क्या होता है? फूल माने हल्कापन, फूल माने हल्का फुल्का, जो प्योरिटी होती है वो हल्कापन लाती है, इम्प्योरिटी भारी माथा बनाती है। माला बनाते हैं रुद्रमाला, उसमें क्या दिखाया? फूल ही दिखाया है। फूल किसकी निशानी है? वो जो रुद्रमाला में ऊपर एक फूल दिखाया है, युगलमा का नहीं, फूल रुद्रमाला की बात कर रहे हैं। उसमें जो ऊपर फूल दिखाया है वो किसकी निशानी है? हाँ, न मेरु होता ही नहीं रुद्रमाला में, विजय माला में मेरु होता है, युगल दाना, युगल दाने से भी ऊपर फूल होता है। तो फूल किसकी निशानी है? सुप्रीम सोल की। क्या है? हल्का फुल्का है, इसलिए वो सबसे जास्ती सुख देने वाला है। फूल सुखदाई होते हैं और कांटे, कांटे दुखदाई होते हैं। प्योरिटी सुख देती है, इम्प्योरिटी दुख देती है। वैश्याएं माथा खराब कर देती है और सधवाएं माथा सरसब्ज बनता है परिवार का। और कहा गया रक्तवाणी में कि विजय माला का आह्वान करो, इसकी यथार्थ क्या विधि है? कोई कहे शहद की मक्खियों को ले आओ आवाहन करके, तो क्या करते हैं? बड़ी मक्खी को पकड़ते हैं और ले आते हैं। तो ऐसे ही यहाँ भी शहद की दो प्रकार की मक्खियां हैं, एक होती है डिंगारा मक्खी बड़ी, और एक होती है छोटी मक्खी। ये छोटी मक्खी होती है वो आँख की रोशनी को भी तेज कर देती है उसका शहद। तो ये विजय माला के जो मणके हैं वो छोटी मक्खी की निशानियां हैं। छोटी मक्खियों की भी रानी होती है, जो मुरली में बोला है एक रानी मक्खी निकलती है तो उसके पीछे सारा झाड़ जाता है। तो वो आह्वान करने के लिए बोला है। आह्वान करने का मतलब ये नहीं है कि उसे याद करना है, दो को याद नहीं करना है, कि बाप को भी याद करना है फिर रानी मक्खी को भी याद करना है, नहीं, याद तो एक को ही करना है, लेकिन बाप की याद में रहते हुए उस आत्मा को खींचना है, सर्च लाइट देनी है। बाबा ने कहा 500 करोड़ आत्माएं पूरी रुद्रमाला के कैसे? 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं बाप को पहचानेंगी या नहीं पहचानेंगी? पहचानेंगी,
नास्तिक से नास्तिक आत्मा होगी, वो भी अंत में कहेगी ओ गॉडफादर, उसके अस्तित्व को भी मानेगी कि गॉडफादर भारत में आया हुआ है। तो बाप को पहचाना माना रुद्रमाला के मन के, और हाँ तो छोटी मम्मी के लिए बोला, और बड़ी मम्मी माता नहीं है, रुद्रमाला का मणका है लेकिन माता तो है। फिर बोला वो काली बन जाती है, हाँ माँ काली बनती है तो दायां हाथ हुई या बायां हाथ हुई, बायां हाथ हुई, हाथ की जरूरत नहीं है, भगवान का सिंगल ही हाथ होता है, एक हाथ ढूंढा होता है भगवान, या दोनों हाथ वाला होता है, दोनों हाथ वाला चाहिए, स्थापना भी चाहिए तो असरों का विनाश भी चाहिए। ब्रह्मा ने प्रजापिता, ब्रह्मा नहीं है प्रजापिता, भी तो ब्रह्मा है, ब्रह्मा पांच मुख वाला भी दिखाते हैं, पंचानन भी कहते हैं, चतुरानन भी कहते हैं। हाँ जी, और बाबा रावण के दस सिर और पांच हो गए विकार, राम लोग और पांच हो गए स्त्री के सिर, एक बुला लिया मुरली में पृथ्वी, पृथ्वी बोलती है ना बड़ी मम्मी को, पृथ्वी का पाठ करने वाली, पांच विकारों में से मुखिया है काम विकार, और पांच तत्वों में से मुखिया है पृथ्वी। हाँ। पृथ्वी जल देवता नहीं है, जो जल देवता है उसका मुखिया कौन है, नहीं सागर कहते हैं देवता, वो तो वो एक ही हो गया, जो जल बरसाता है वो कौन है, इंद्रदेव। हाँ। और वायु देवता है, जल देवता है, अग्नि देवता है। जैसे करोड़ देवताओं में से वो पांच मुख्य देवता है, नहीं प्रजापिता जो है वो तो भगवान का रूप हो जाता है, शिव शंकर एक हो जाता है, उसको तो कहते हैं ईश्वर, जो ईश्वर है उसको पूरब और उत्तर के कोण में दिखाया जाता है, ईशान कोण, उसका नाम ही क्या पड़ा है, ईशान कोण माने ईश्वर का कोण। क्योंकि बाबा अनुभव होता है कि भक्ति में कोई ऐसे हैं भक्ति में बोला है ना 33 करोड़ देवता, भक्ति मार्ग में बताया हुआ है। तो 33 करोड़ देवताएं अभी उतर नहीं रहे हैं सृष्टि पर, हर धर्म की आत्माएं अंत तक नीचे उतरती है या नहीं उतरती है, अभी भी उतर रही हैं देवी देवता धर्म की आत्माएं। बरसात देने ज्ञान की बरसात बरसाने वाला इंद्रदेव नहीं हुआ, ईश्वर कहाँ बोल दिया है, तो आपने मान लिया ईश्वर, ईश्वर शंकर के चित्र दिखाया गया है, ईशान कोण में जो अष्ट देवताओं में से एक देवता दिखाया गया है, सूरज कहाँ उगता है, एकदम पूरब में नहीं, पूरब और उत्तर के कोने में उगता है, तो उसको ईशान कोण कहते हैं, ईशान कोण नाम ही ईश्वर से पड़ा है, जो श्रेष्ठ शीश शासन करता है, जोर दबाव दे करके शासन नहीं करता, कैसा शासन करता है, दिल के ऊपर शासन करता है, उसकी बात दिल से लगती है कि यही सच्चाई है, सच्चाई को पहचानते जाते हैं और उसके शासन में आते जाते हैं। बाबा है, एक है काली माँ और एक है लाली माँ, है काली माँ और लाली माँ, तो काली माँ और लाली माँ का आपस में संपर्क कैसे हो जाता है,
जो सूर्य है, सूर्य के नजदीक काली रात्रि है या काली रात्रि और सूर्य के बीच में लालिमा है? कौन है जो लाल लाल लाली होती है? वो सूर्य के ज्यादा नजदीक है। जो अंधेरा है वो नजदीक नहीं, उससे परे रहता है। जो अंदर से एक और बाहर से दूसरे हैं वो मेरे नजदीक नहीं आ सकते। अव्यक्तवाणी में बोला तो अंधकार है, कालिमा है, उसका नाम ही है कालिमा। बाबा चक्कर व्यू का ज्ञान और अमर कथा दोनों एक ही बात है? चक्कर को व्यू का ज्ञान दो ही को ही था। किसको किसको? भगवान को था या भगवान जिसमें प्रवेश करता है उसको था? पूरा ज्ञान तो और किसी को होता ही नहीं, अभिमन्यु को। ये अभिमान था कि जिनको चक्कर का पूरा ज्ञान है मैं उनकी संतान हूं, मैं उसका शिष्य हूं जो स्वयं भगवान है। बाकी चक्रव्यूह का पूरा ज्ञान नहीं लिया, लेना चाहिए विधिवत पूरा ज्ञान। तो नीम हकी में खतरे हो जाता है। और पूरा ज्ञान है दो के सिवाय किसी और के पास नहीं होता, दो आत्माओं के सिवाय पूरा ज्ञान और किसी तीसरे को हो जाए तो वो ही प्रजापिता हो जाएगा। तो प्रजापिता दो हो जाएंगे क्या है? आदि देव तो एक ही रहेगा, दो तो नहीं हो सकते। हाँ, पार्वती को भी पूरा ज्ञान नहीं था? पार्वती को अभी है ज्ञान, पार्वती को ज्ञान लेने की दरकार है? पतित को ज्ञान लेने की दरकार होती है या पावन को ज्ञान लेने की दरकार? पार्वती जन्म जन्मांतर की पतित आत्मा है या पावन आत्मा है? उसको ज्ञान लेने की दरकार ही नहीं। इसलिए रुद्रमाला के मणकों को पहले पकड़ा जाता है, तुम हो जन्म जन्मांतर के पतित। जो ज्यादा गंदे कपड़े होते हैं उनको ज्यादा जल की जरूरत होती है। विजय माला के मणके तो ज्यादा गंदे है ही नहीं, इसलिए वो अभी तक भी ध्यान में नहीं निकल रहे। कब निकलेंगे? लास्ट। बाबा ये कैसे कह सकते हैं कि जन्म जन्मांतर की वो पवित्र आत्मा है पार्वती? 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, वैरायटी पार्ट है। कोई ऐसी आत्मा भी तो चाहिए जिसका जन्म जन्मांतर एक ही आत्मा के साथ पति पत्नी के रूप में संबंध बने। ऐसा कोई पार्टधारी होगा या नहीं होगा? नाम तो एक नारी सदा ब्रह्मचारी क्यों कहा जाता है? अगर एक के साथ ही संस्कारों का मेल होता है तो उसको पतित नहीं कहेंगे। पतित तब बनता है जब व्यभिचार पैदा हो। एक के साथ संबंध हुआ फिर दूसरे के साथ भी संबंध हो जाए तो कहेंगे व्यभिचार। दूसरे जन्म में कोई कोई ऐसी भी आत्माएं होंगी जिनका 63 जन्मों में 63 के साथ संबंध बनेगा, तो ज्यादा पतित बनेगी कि कम पतित बनेगी? ज्यादा ही पतित बनेगी। गीता को माई बाप कहा गया है, बाप किस बाप कैसे उसे कहेंगे? गीता को माई बाप सभी वेदों शास्त्रों की माई बाप है, बाप कैसे कहेंगे? ज्ञान देने वाला आत्मा कौन सी है? ज्ञान देने वाली आत्मा बाप है या माँ है? वो कौन है? कौन है? शिव बाप। शिव बाप ज्ञान देने वाला ज्ञान दाता है। शंकर या राम वाली आत्मा दाता नहीं है, लेकिन वो प्रवेश किस में करता है? तो माता हो गई नहीं वो माता। लेकिन प्रैक्टिकल में लाने के लिए स्त्री चोला चाहिए,
तो प्रैक्टिकल चोला नहीं है वो, कौन प्रजापिता जिसमें वो ज्ञानदाता शिव प्रवेश करता है वो प्रैक्टिकल में स्त्री चोला नहीं है। स्त्री चोला कौन? वो माँ, छोटी माँ, पहले भारत माता या पहले जगत माता, पहले कौन है? पहले तो भारत माता होती है, फिर भारत माता खंड के बाद फिर दूसरे दूसरे खंड निकलते हैं तब जगत माता होती है। सारा मदार गीता को करेक्ट करने पर है। क्या चैतन्य गीता को भी करेक्ट करने की बात इसमें आ जाती है? गीता अभी ज्ञानी कहे, सत्य कहे या असत्य को फॉलो करने वाली कहे, गीता जो पार्ट बजाय रही है वो बकरी का पार्ट बजाय रही है या सिंघनी का पार्ट बजाय रही है? जिन्होंने कान पकड़ा हुआ है वो ही पार्ट बजाय रही है। अब कोई ऐसा कान पकड़े उनके कान में ऐसी फूंक मारे जो उनको सच्चाई का ज्ञान हो कि ये सच्चाई है तो उसके कंट्रोल में आ जाएगी। सिंघनी उसे कहेंगे जो सिवाय शेर के और किसी के कंट्रोल में नहीं आती। वर्तमान में भी कोई सिंघनी नहीं है, है चीता कहेंगे है। नोएडा से मुंडा पूछ जाते हैं कि वहाँ एक नीचे पत्र बनाया जाता है, उस नीचे पत्र में लिखा हुआ है मम्मी के लिए कि मैं श्वेता से जग छोड़ के जा रही हूँ, श्वेता से अपनी इच्छा से जग छोड़ के जा रही हूँ। उन्होंने लिख करके दिया है तो दिखाना नहीं चाहिए? देखो उन्होंने ये लिख करके दिया है, तुम्हें विश्वास हो तो निश्चय पत्र लिखो, तुम्हें विश्वास ना हो कि इन्होंने तो ये लिख के दे दिया फिर हम इनको मम्मी कैसे माने, माँ कैसे माने, तो भले जाओ। लेकिन बाबा उन्होंने बाद में ये तो लिखा है कि मैं मन बुद्धि से बाप के साथ बाप बिंदु आत्मा भी तो है। ब्रह्मा कुमारियां बाप को नहीं मानती? मानती है, लेकिन बाप और बाप ये दो बेहद के बाप है, वो एक को मानती है और एक को नहीं मानती। जो इतनी ब्रह्मा कुमारियां हैं बेसिक नॉलेज है, उनकी कोई बीज रूप ब्रह्मा कुमारी भी होगी कि नहीं होगी, वो कौन है? फिर जो जगदम्बा होगी वो तो सब ब्रह्मा कुमारियों की अम्मा है। जो चरित्र ब्रह्मा कुमारियां खेल रही हैं वो सारे चरित्र 100% जगदम्बा के अंदर भरे हुए हैं और वो साबित करेगी प्रैक्टिकल में। ब्रह्मा कुमारियां जितनी ग्लानी करती हैं उससे ज्यादा बढ़ करके ग्लानी कौन करेगा? जगदम्बा करेगी महाकाली बन करके, तब सृष्टि का विनाश होगा असुरों का। दादा लेखराज ब्रह्मा को भी 18 अध्याय गीता कहा गया है, ब्रह्मा को 18 अध्याय गीता कहा गया? ब्रह्मा को दादा लेखराज को 18 अध्याय गीता कहा गया है। मुरलियां जो क्रमबद्ध तरीके से 18 साल चली है, जब माउंट आबू में आ गए तो वहां लिप्थो कापियां निकाली जाने लगी और ब्रह्मा कुमारियों को अपने अपने घर भी भेजा गया था, तो उन्हें कुछ मैटर चाहिए ना, तो बाबा की वाणी लिट्ठों में निकाल करके उनको दी जाती थी कापियां, तो उस समय से क्रमबद्ध वाणियां चली हैं सुबह शाम। कितने साल चली? 18 साल चली। कितनी गीता माता हुई है? जैसे ब्रह्मा को भी गीता माता का नाम दे दिया गया है, 18 अध्याय गीता, ब्रह्मा जो है गीता माता नाम ले दिया गया है, लेकिन तन पुरुष का है इसलिए गीता माता असली नहीं कह सकते। गीता जो है सर्वशास्त्र शिरोमणि है, शास्त्र का अर्थ क्या है? शासन करना। तो ऐसी कोई आत्मा होनी चाहिए प्रैक्टिकल में जो दुनिया के बड़े से बड़े हुजूम के ऊपर कंट्रोल करके दिखा दे, वो कौन होगी? जगदम्बा होगी।
ब्रह्मा ने थोड़े ही इतने बड़े हुजूम के ऊपर कंट्रोल करके दिखाया। ब्रह्मा तो 400 ब्रह्मा कुमारियां निकली, ज्यादा ज्यादा 300-400 उनको कंट्रोल किया। उनको भी कंट्रोल करने के लिए जगदम्बा को रखना पड़ा, ओम राधे को, क्यों वो तो दाढ़ी मूछ वाला था। माने कोई स्त्री चोला भी चाहिए और ब्राह्मणों का बड़ा हुजूम चाहिए। जो गायन है अंत में जाकर के डूबी जा डूबी जा डूबी जा। बड़ी की बड़ी देवी कौन सी मानी जाती है, कहाँ है वो देवी जिसका बहुत बड़ा मेला लगता है? नहीं, बहुत बड़ा मेला किसका लगता है, कहाँ लगता है? कलकत्ता में नहीं, वो तो महाकाली कही जाती है, कलकत्ते की प्रसिद्ध है महाकाली। लेकिन देवी का सबसे बड़ा मेला लगता है वैष्णव देवी में। क्या जो मेला है दुनिया का सबसे बड़ा, जहाँ भीड़ लगती है, वो है वैष्णव देवी का मेला। जिसने मिलन मेला सबसे जास्ती बनाया है वो वैष्णव देवी एक है या दो मिलकर के वैष्णवी बनी है? विष्णु एक से मिलकर के बनता है या दो से मिलकर बनता है? दो से मिलकर के बनता है। बोला है कि माता साकार होती है और बाप निराकार स्टेज वाला होता है। तो साकार पार्टी किसके द्वारा बजाया? ब्रह्मा के द्वारा। तो माँ के कर्मों को फॉलो करना है, कर्मों में अगर फॉलो करना है तो किसको फॉलो करना है? माँ को फॉलो करना है। माँ ने आंख से जैसे काम किया वैसे बच्चों को करना है। तो क्या ब्रह्मा बाबा को किसी ने आंखें मारते हुए देखा क्या? देखा होगा क्या? नहीं देखा होगा। या किसी कर्मेंद्रिय से कोई गंदा कर्म और उल्टा सीधा कर्म करते हुए देखा होगा क्या? नहीं देखा। तो कर्म कैसे करना है? जैसे ब्रह्मा ने कर्म किए ऐसे कर्म करना है। फॉलो फादर का अर्थ दो प्रकार से, एक कर्मों में फॉलो करना, एक आर्डर को फॉलो करना। आर्डर फॉलो करना है बाप का और कर्म फॉलो करने हैं ब्रह्मा के। बाबा एक प्रश्न आता है कि जैसे आज इलेक्शन का चल रहा है पूरे देश के अंदर, लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, तो अगर हमें कर्मों में फॉलो करना है तो क्या ब्रह्मा बाबा ने अपनी वोट डाली है किसी पार्टी से? क्या ब्रह्मा बाबा ने अपना मत अपनी वोट किसी गवर्नमेंट के उसने खाते में डाली होगी? तो हमें उसे फॉलो करना हो तो हम इस पॉइंट को कितने हिसाब से? तो बाबा कहते हैं कि तुम भ्रष्टाचारियों को वोट दो। अरे स्पष्टीकरण क्या, जैसा ब्रह्मा ने कर्म किए वैसे हम भी करें। ब्रह्मा बाबा ने तो अपने बच्चे को भी निकाल के बाहर कर दिया, बच्चों को भी फॉलो नहीं किया। बाबा तो कहता नहीं, बाबा को ये पसंद ही नहीं है। जो जो ब्रह्मा ने कर्म किए वही कर्म हमको करना है, ब्रह्मा ने जो कर्म नहीं किए वो कर्म हमें भी नहीं करना। उससे बच्चा ज्ञान में नहीं चलता है, शादी करें या न करें। तो ब्रह्मा ने क्या किया? ब्रह्मा ने निकाल के एक दो तीन घर से बाहर कर दिया। तो हम भी क्या करें, निकलो घर से बाहर। तुम हमारे बेटा नहीं, हम तुम्हारे बाप नहीं। घर तो परी है पर धर्म धर्म छोड़िए। हमारा धर्म अलग, तुम्हारा धर्म अलग। सन के रंग के कारण हम पतित बने, ये नीचे गिरे और सन ही हमें तारेगा। संग ही तारे, संग ही बोरे, इसका अर्थ ये सत्य के संग तारे और झूठ के संग बोरे। सारी दुनिया झूठी है। अगर विश्वास नहीं होता है तो संग करके देख लो, जिसको दुनिया में ज्यादा सच्चा समझते हो वो उसके साथ सब इंद्रियों का संग करके रहो और फिर अनुभव करो नीचे गिर रहे हो या ऊंचे गिर रहे हो। क्या होगा रिजल्ट? नीचे गिरेंगे। सत्य का संग तारे और कुसंग बोरे। बाबा ने कहा कि सारा मदार है अमृत वेला के ऊपर,
तो अमृत वेला के लिए बाबा क्या डायरेक्शन है? कैसे अमृत किसे कहते हैं? नहीं, अमृत कहते हैं जिससे आत्मा अमर बने। हम जानते हैं कि जो रोज ज्ञान सुनते हैं वो जिंदा बने रहते हैं, और जो ज्ञान रोज नहीं सुनते तो अधमरे हो जाते हैं। तो ज्ञान ही अमृत है, और वो अमृत वेला कब है? न सतयुग, न त्रेता, न द्वापर, न कलयुग। कब है? संगम युग में। और संगम युग में भी अमृत वेला कब है? जब पुरुषोत्तम संगम युग साबित होता है। कब से होता है साबित? क्षेत्र से साबित होता है कि ये आत्मा जो है वो पुरुषों में उत्तम पाठ बजाने वाली है, तो वो पुरुषोत्तम वेला हो गई। वो पुरुषोत्तम वेला भी दो प्रकार से है, विदेशियों की और स्वदेशियों की। विदेशी लोग जो है रात्रि के 12 बजे से अमृत वेला मानते हैं। है भी सही बात कि रात्रि के 12 बजे से जो सूर्य डूब गया था, और डूबते 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 रात्रि के 12 बजे से फिर ऊपर उठना शुरू होता है। 6 बजे से लेके डूबा और डूबते डूबते रात्रि के 12 बजे नीचे पहुंचा, एकदम उल्टी तरफ, और फिर तब से ऊपर उठना शुरू। तो रात्रि के 12 बजे के बाद जो टाइम हुआ वो अंग्रेजों के लिए उनकी बुद्धि तीखी होने के हिसाब से अमृत वेला शुरू हो गया। लेकिन अंग्रेजों का जो अमृत वेला है उनको फॉरेनर कहा जाता है। वो बुद्धि से फौरन निर्णय करते हैं और फौरन चल पड़ते हैं। रिजल्ट क्या होता है? जो भी काम है पूरा सोच समझ के करना चाहिए या बिना सोचे समझे करना चाहिए? सोच समझ के करना चाहिए। तो वो पूरा रिसर्च नहीं कर पाते। जितनी जितनी रिसर्च करते जाते हैं उतना कदम आगे बढ़ाते जाते हैं। है? हाँ, इसलिए उनका मुर्गा का हिसाब हो जाता है। मुर्गा बांग देता है और खुद सो जाता है। उसी तरह से उनका पार्ट है। जो विदेशी है उनका अमृत वेला होता है 76 से, और बाप भी क्या बन के आया हुआ है? तो विदेशी बन के आया हुआ है। कृष्ण यादव कुल के थे या पांडव कुल के थे? विदेशी कुल था या स्वदेशी कुल था? विदेशी कुल था। यादवों का हेड शंकर को भी कहा जाता है। तो विदेशी हुआ या स्वदेशी हुआ? विदेशी हुआ, क्योंकि भगवान बाप तो सबका कल्याण करने के लिए आया हुआ है, या सिर्फ भारतवासी पांडवों का कल्याण करने के लिए आया है? सबका कल्याण करने के लिए आया। तो संक्षेत्र से अमृत वेला तो है रात्रि के 12 बजे से, लेकिन असली अमृत वेला तब होता है जब शुक्र तारा जो है वो उगना शुरू होता है। सूर्य निकलने से पहले शुक्र तारा दिखाई पड़ता है, है? हाँ, 4-5 बजे के बीच में, और उसके बाद से फिर अंधेरा आगे आगे भागता है, लालिमा पीछे पीछे भागती है, और लालिमा के पीछे सूर्य उदय होता है। अभी महाकाली भी प्रत्यक्ष होने वाली है। महाकाली प्रत्यक्ष होगी तो पीछे पीछे है लालिमा भी प्रत्यक्ष होगी। लालिमा प्रत्यक्ष होगी तो पीछे पीछे शिव बाप भी प्रत्यक्ष होगा, ज्ञान सूर्य भी प्रत्यक्ष होगा। अमृत वेले के लिए थोड़ा और हमें कृष्ण का जन्म जो है वो सुबह 4 बजे है। भक्ति मार्ग में रात्रि के 12 बजे मनाते हैं। शिवरात्रि में कृष्ण की रात्रि ऐड कर दी, लेकिन ऐसे है नहीं, कृष्ण बच्चा है और शिव बाबा बाप है। तो बाप का जन्म पहले या बच्चे का जन्म पहले? तो बाप की रात्रि जो है रात्रि के 12 बजे से है,
और जो पहला पत्ता जन्म लेता है वो बाद में, वो कब की बात हुई? वो सतयुग की बात हुई। लेकिन संगम युग में क्या होता है? यहाँ बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है या अलग अलग है? इकट्ठा है। लेकिन भक्ति मार्ग में द्वापर के अंत में कृष्ण का जन्म दिखा दिया है, वो भी कहाँ की बात है? संगम युग में, जब द्वापर युग की शूटिंग पूरी होती है, कब है? 76 तक सतयुग की शूटिंग, 87-88 तक त्रेता की शूटिंग, और द्वापर की शूटिंग 98-99 तक द्वापर की शूटिंग। तो द्वापर के अंत में कृष्ण का जन्म दिखाया, तो कहाँ की बात हुई? संगम युग की बात हुई। संगम युग में द्वापर युग की शूटिंग के अंत में जेल के अंदर से कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 15 अगस्त के दिन स्वतंत्र होती है वो आत्मा। तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म दिखाया गया है अखबारों में, रेडियो में, टीवी में, प्रत्यक्षता हुई, वो जन्म हो गया। लेकिन जिसका जन्म हुआ, प्रत्यक्षता हुई, वो कोई ब्राह्मण बच्चे के रूप में है या कोई वैश्य शूद्र? ब्राह्मण बच्चा है। वो पहला जन्म हुआ ब्राह्मण का या द्विजन्मा दूसरा जन्म हुआ? पहला जन्म है, संपूर्ण जन्म नहीं कहेंगे। संपूर्ण जन्म तब होता है जब बाप और बच्चा, राम की आत्मा और कृष्ण की आत्मा, दोनों ही साथ साथ प्रत्यक्ष हों विष्णु के रूप में, तब प्रत्यक्षता होती है। चंद्रमा एक ओर अस्त हो, दूसरी ओर सूर्य उसी क्षण उदय हो, तब कहते हैं पूर्णमास। पूर्णमासी जब होती है तो एक तरफ सूर्य उदय होता है, दूसरी तरफ चंद्रमा अस्त होता है, दोनों काम साथ साथ होते हैं। और हाँ जोर से बोल। जो निश्चय बुद्धि बनेगा वो हिलेगा डुलेगा ज्ञान में? हिलेगा डुलेगा नहीं। हिलेगा डुलेगा कौन? जो अनिश्चय बुद्धि होगा तो हिलेगा डुलेगा। माया इसको अच्छी तरह से हिलाएगी। जो निश्चय बुद्धि है उसको माया हिला ही नहीं सकती, अटल रहेगा। योगियों को पकड़ती है माया, ज्ञान में माया इंटरफियर नहीं करती है। काय में इंटरफियर करती है? याद में इंटरफियर करती है। तो एक मुरली बोला हुआ है, बड़े बड़े महारथियों को भी माया नाम से पकड़ लेते हैं, ऊपर उठते हैं योग से, याद में जो ऊपर उठते हैं माया उनको और तीखे होकर के पकड़ती है। बाबा एक प्रश्न है कि भक्ति में कहते हैं कि माखन खाता था और अपना जूठा माखन अपने मित्रों को खिलाता था, तो यहाँ उसकी शूटिंग कैसे होती है? मक्खन पहले कौन खाता है? पहले ज्ञान का मक्खन कौन खाती है आत्मा? किसकी बुद्धि में? बुद्धि रूपी पेट पहले भरता है, है? जो संगमी कृष्ण है, प्रजापिता कहो, संगमी कृष्ण कहो, शंकर कहो, वो पहले अपना बुद्धि रूपी पेट पहले भरता है, फिर बाद में मक्खन कैसे बनता है? जितना मंथन करते हैं उतना मक्खन बनता है। मक्खन मंथन के बाद निकलता है, तो ये भी ज्ञान सागर मंथन है। जो वेद वाणी है ब्रह्मा के मुख से निकली हुई,
कि ज्ञान सागर है लेकिन अमृत नहीं है। मुरली ने बोला अभी ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। ब्रह्मा द्वारा जब वाणी चलाए रहे थे तो मुरली ने बोला अभी ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। क्यों? वो उस समय तो सुन रहे थे और सुनाया जा रहा था, मंथन कोई कर ही नहीं था, ब्रह्मा भी मंथन नहीं कर रहा, सरस्वती माँ ने मंथन किया, लेकिन वही वही बातें बार बार जो ब्रह्मा ने सुनाई उन्हीं बातों का मंथन, नई बात तो कोई नहीं निकली नहीं। दूध को बिलोते हैं तो मक्खन निकलता है, पानी को बिलोते हैं तो पानी तो मक्खन नहीं निकलता। इसका मतलब ज्ञान सागर जो है वो क्षीर सागर है, दूध का सागर है, और जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं जो भी पार्ट बजाने वाली हैं वो सब पानी ही पानी देती है या दूध देती है, पानी सब पानी ही पानी देती है। गंगा निकलेगी उसका भी जल क्या होगा? पानी हो, नई बात तो कुछ भी नहीं निकालेगी। गंगा जो ज्ञान सुनाएगी, बनशंकर के मस्तक पर, भगवान के मस्तक पर बैठी हुई है, लेकिन जो भी ज्ञान सुनाएगी वो सुना हुआ सुनाएगी या मंथन करके सुनाएगी? सुना हुआ सुनाएगी। बाबा मुरली ने बोला कि ज्ञान में आने से पूरे जन्म के पाप कट जाते हैं। ज्ञान में आने से नहीं कट जाते हैं, ज्ञान को धारण करके जब पचाते हैं ज्ञान को तो पाप कटते हैं। ज्ञान सुन लिया तोती की तरह, सुन लिया तोते से कह सुना दिया तो थोड़े पाप कर जाएंगे। बाप को याद करेंगे तो पाप कटेंगे, और बाप को पहचानेंगे तो याद कैसे करेंगे, पाप कैसे कटेंगे। चलो आगे। बाबा क्या अनस में भी दस धर्म की आत्मा है? क्या अनस में भी दस धर्म की आत्मा है? क्या वहां भी जन्म लगेगा? नहीं सर, ऐसे बताते हैं कि शास्त्रों में राक्षस पृथ्वी को पाताल लोक में ले जाने लगा, तो जब सारी पृथ्वी को पाताल में डुबो रहा था तो उसमें से काशी नगरी छिटक गई, बाकी सारी पृथ्वी पाताल में चली गई। पाताल में चली गई माने गिर गई। भक्ति मार्ग में कहावत है, काशी में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, मगहर में मरेंगे तो नर्क में जाएंगे। तो जरूर कोई ऐसा संगठन है जहाँ के वासी रसातल में जाने से बच जाते। इसलिए भक्ति मार्ग में ये मान्यता है कि जब हम मरे, क्या देवान से जब हम मरे तो कहाँ जाए? काशी में जाके मरे, क्या अभी भी वो जाने वाली जो आत्माएं होंगी उस संगठन में? मन बुद्धि की बात है, देह से जाने की बात नहीं है। अभी भी जो आत्माएं मर रही होंगी तो देह के संबंधों से मर रही होंगी, देह की प्राप्तियों से मर रही होंगी, या कोई दुनियावी तरीके से मर रही होंगी? देह के संबंधों से। जो भी जाने वाले हैं उनकी बुद्धि में बैठ जाता है, वहां गए तो ना अम्मा मिलेगी ना बाप मिलेगी, ना अम्मा से कौन हो पाएगा और ना बाप से कौन हो पाएगा, मिलना जुलना सब बंद। अम्मा बाप तो अच्छी अच्छी चीजें भेज देते बच्चियों को खाने पीने के लिए, वहां गए तो जैसा मिलेगा वैसा पड़ेगा, तो वैसा ले बाबा का साकार संत ज्यादा मिलता है ना, है साकार बाबा का संकार हमको ज्यादा मिलता है। काशी नगरी में किसका बात होता है? काशी को।
काशी नगरी में तो शिवशंकर भोलेनाथ का ही बात होता है बाबा। एनएस की दिनचर्या क्या होती है? एनएस वालों की दिनचर्या क्या होती है? ब्राह्मणों की दिनचर्या क्या होनी चाहिए आप ही बताइए। लौकिक में रहते हैं आप बताइए, मुरली तो पढ़ते हैं मुरली सुनते नहीं है समझते नहीं है, तो जितनी मुरली सुनी है समझी है उस हिसाब से दिनचर्या बताइए क्या होनी चाहिए दिनचर्या। दो बजे उठना हमारी तो दिनचर्या जो है हम आपकी नहीं पूछ रहे ब्राह्मणों, हम ये पूछ रहे ब्राह्मणों की, ब्राह्मणों की दिनचर्या जो पूरे से उस पूरी के ब्राह्मण है उनकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, नौवीं पूरी के नहीं आखिरी पूरी के नीच पूरी के ब्राह्मण में ऊंच पूरी के जो ब्राह्मण है उनकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए। कर्मयोगी हाँ तो ठीक है कर्मयोगी, कर्मयोगी भी हूँ ऐसे नहीं बैठ करके बैठ गए दो घंटे तीन घंटे एक घंटे तैयार बैठे नहीं। मोस्टली अमृत वेला क्या करते हैं बैठ ही जाते लेकिन उनको बैठना भी नसीब नहीं। माने कर्म करो और याद करो, अरे आपने पूरे जवाब बाबा जो माऊ प्रभु मधुबन में भट्टी करने जाते हैं ना हाँ। जो वहाँ की दिनचर्या होती है ना वही होगी क्या दिनचर्या वहाँ तो उठते हुए दो बजे उठते थे अमृत वेले दो बजे उठ गए यार किसको करते हैं बाबा को करते हम नहीं मधु जहाँ बात की बात कर रहे हैं तो फरुखाबाद में जो कंट्रोलर है जो चलाने वाली माँ होगी वो काशी नगरी होगी या कोई दूसरी होगी फरुखाबाद में जो भी स्टैंडर्ड वर्ग है वो अपने माँ बाप से बात नहीं करते हैं मिलते जुलते नहीं है फिर ये तो कहेंगे नंबर वन ही होते हैं नष्ट मोहन एक जैसे नष्ट मोहन नहीं होते कचरा में सबको हड़प है कचरा में सब हड़प कब मारा है पर्सना बोलते हैं पर्सना में जन्म क्षत्रियों में नाश किया कब किया न्याय की बात है सोना पर्सना जो क्षत्रिय है फेल होने वाली आत्माएं हैं वो जब अहंकार में आती है कि हमें ही राजा बनते हैं तो अहंकारियों का नाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए होना चाहिए। और परशुराम को कितने कला संपूर्ण बताया है नहीं सोलह कला संपूर्ण नहीं राम तो 14 कला संपूर्ण थे और परशुराम 4 कला संपूर्ण हाँ जी तो क्षत्रि तो होते हैं त्रेतन वहाँ तो 14 कला संपूर्ण होते हैं वहाँ तो परशुराम की बात नहीं है कहाँ की बात होगी इसी संगम की बात है संगम हुए जब तमो प्रधान बन जाते हैं क्षत्रिय भी अहंकारी राजा कहाँ होते हैं कलयुग होते वही तो उनको मारा जाता है क्षत्रियों का शासन कब से खत्म हो गया अभी कोई राजाओं का राज्य नहीं है कोई शक्तियों का राज्य नहीं है अभी प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य पाठ थोड़ी बताते हैं पाठ नहीं बताए जाते बोर्ड पर लिखकर या कागज पर लिखकर बाप दादा नहीं बता रहे है बहुत भक्ति मार्ग में कहा गया ना पतित पावन सीता राम तो सीता का नाम आया तो दो हो गए ना सीता और राम एक थोड़े ही है सीता शीत ठंडी ठंडा दिमाग क्या ठंडे दिमाग में बेकार ज्यादा पैदा होंगे या गर्म दिमाग में बेकार ज्यादा पैदा होंगे गर्म में ज्यादा होंगे तो ठंडे तो है सीता उसका नाम है सीता
धर्म भी होता है भौतिक धर्म दोनों पति पावन है। पति तो पावन जो है वो तो शिव है, पतितों को पावन बनाने वाली आत्मा न राम है न सीता की है। कोई मनुष्य आत्मा पतित पावन नहीं हो सकती, लेकिन हाँ वो निराकार शिव जब राम में प्रवेश करता है तो प्रवेश करके जब ज्ञान सुनाता है तो ज्ञान के आधार पर बुद्धि माना मन बुद्धि रूपी आत्मा पवित्र संकल्पों वाली बनती है। आत्मा से आत्मा का कल्याण होगा या शरीर का कल्याण होगा? आत्मा पांच तत्वों का कल्याण होगा। आत्मा जो सुप्रीम सोल आत्मा है मन बुद्धि है बुद्धि है तो वो बुद्धि आकर के जो कार्य करती है वो मन बुद्धि को परिवर्तन बना या परिवर्तन मिलाती है। माने राम वाली आत्मा की मन बुद्धि जो है वो सदगति की ओर जाती है। मन बुद्धि गई सदगति की ओर, शरीर तो नहीं है। शरीर की सदगति करने के लिए सिर्फ एक चाहिए या दो चाहिए? दो चाहिए। तो राम वाली आत्मा श्रेष्ठ पुरुषार्थी है तो उतना ही श्रेष्ठ पुरुषार्थी सहयोगी भी चाहिए, और वो सहयोगी जो आत्मा बनती है वो सीता वाली आत्मा कही जाती है। जो जन्म जन्मांतर की इतनी शीतल है कि सैकड़ों रानियां होती हैं एक राजा को, लेकिन किसी के साथ उसको ईर्ष्या दे नहीं होता। तो शीतल बुद्धि वाली हुई या गर्म बुद्धि वाली हुई? शीतल बुद्धि वाली हुई। जैसे घर में आठ बहने हैं एक परिवार, और बड़ी बहन जो होती है छोटी बहनों के लिए माँ के रूप में बर्ताव करती है, तो ऐसे ही राज परिवार में रहते हुए भी किसी प्रकार का जिसमें ईर्ष्या देश ना आए ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि वाली हो, अपनी छोटी बहन के मुआफिक रखे पालना दे, उसका नाम ठीक है। सीता से अंदर हुआ है और आपने गलत छोड़ा है, वो इसका क्या रहता है? धनुष मैंने शरीर रूपी पुरुषार्थ रूपी धनुष जिसे पुरुषार्थ किया जाता है उसमें लकीलापन है, इतना खींचा उतना मुड़ गया, लकीलापन होता है ना धनुष में। तो जैसा शरीर जो है ऐसा पुरुषार्थी शरीर जिसमें लकीलापन मोल्डिंग पावर जाती हो, और वो शरीर रूपी धनुष को रावण तो हिलाए भी नहीं सका, और सीता ने क्या किया खाली उसको बाएं हाथ में उठाई दी, क्या बाएं हाथ में उठा लिया और दाएं हाथ से सारे शरीर सारे घर की सफाई कर दी। दाएं हाथ मानक विजय माला के जो भी मड़के हैं वो सब है दाया हाथ, और बाया हाथ रुद्रमाला की जो भी फीमेल मड़के हैं वो क्या है बाएं सभी सभी क्यों तो बाएं हाथ से वो धनुष उठाया नहीं जाता है। वो हाथ जो है वो उस धनुष के संसर्ग संपर्क में नहीं आता है, पकड़ में नहीं आता है। पकड़ में आया कि नहीं आया? पकड़ में आया बाएं से घर की छुट्टी थी। तो बाबा रुद्रमाला के मनके जो सफाई करने वाले हैं रुद्रमाला के मनके सफाई करने वाले होंगे? रुद्रमाला के मनके कहाँ सफाई करने वाले हुए? लेफ्टिनेंट बोल रही है ना, लिपाई जो है पुताई जो लिपाई पुताई वो दाएं हाथ से होती है बाएं हाथ से होती है? दाएं हाथ। दाएं हाथ विजय माला जो है वो शुद्धिकरण करता है और बाएं हाथ उस धनुष को उठाता है। बदन उसका बदन कौन उठाता है? बाएं हाथ बाबा। यज्ञ के आदि में इतना ज्ञान ही नहीं था इसलिए राम की आत्मा सेव हो गई और यज्ञ छोड़कर चली गई, तो इसे ग्लानी करना कैसे कहेंगे? ग्लानी कैसे हुई? बोला बाप यज्ञ छोड़ के चला गया राम वाली आत्मा, तो ग्लानी हुई, ग्लानी कैसे कहेंगे?
ज्ञानी कौन करते हैं? अज्ञानी ग्लानी करते हैं कि ज्ञानी करते हैं? अज्ञानी। तो अज्ञानी कर रहे हैं, जो बेसिक नॉलेज वाले हैं वो ग्लानी करते हैं। जिनकी बुद्धि में बात बैठी हुई सब तेल होते हैं, पास तो कोई माया की लड़ाई में पास कोई होता ही नहीं। तो कोई पहले फेल होता है, कोई बाद में, ब्रह्मा बाबा बाद में फेल हुए कितने साल के बाद? 26 साल के बाद। राम वाली आत्मा 26 साल पहले ही फेल हो गई। तो अच्छा कौन रहा, बुरा कौन रहा? राम वाली आत्मा पहले फेल हो गई, तो पहले तो भी बन गई। सतयुग में तो कोई पद होते ही नहीं है, सतयुग में कोई पद होते ही नहीं। तो बाबा ने कहा ना कि तुम्हारा पद कम हो जाएगा, सतयुग में तो जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे लेकिन पद कम हो जाएगा। सतयुग में तो पद होते ही नहीं, क्योंकि तो द्वापर और कलयुग की बात नहीं थी। संगम की बात नहीं है, संगम युग में होंगे या नहीं होंगे? जब मालाएं प्रत्यक्ष होंगी तो पद प्रत्यक्ष होंगे या नहीं होंगे? जो राज्याधिकारी है विश्व के राज्य के ऊपर राज्य करने वाले होंगे नंबर बार, वो प्रत्यक्ष होंगे या नहीं होंगे? अभी संगम युग में होंगे कि नहीं होंगे? संगम युग में प्रत्यक्ष होंगे, तो यहाँ संस्कार पक्के हो जाएंगे कि नहीं? कोई के महाराजा बनने के संस्कार पक्के हो जाएंगे? कोई यहाँ संगम की बात चौदह दिनों पहले, कोई के यहाँ दास दासी बनने के संस्कार पक्के हो जाएंगे मिसाल के तौर पर? एडवांस की शूटिंग शुरू हुई 75, जो विदेशी तीन मुख्य धर्म है उनके जो बीज रूप आत्माएं है उन्होंने बाप को पहचान, बाप के बच्चे बने। पहले पायलोटी के चार बच्चे बने ना, उनमें जो तीन है विदेशी बने। उन तीन विदेशियों ने बाप को पहचानने के बाद बाप की ग्लानी करना शुरू कर दी। आज से ही ग्लानी करते करते और अभी भी ग्लानी कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, विरोधाभास पैदा करवा रहे हैं। तो दासदासी बनेंगे या विश्व के मालिक बनेंगे? दासदासी बनेंगे। उनकी निशानी क्या दिखाई गई भक्ति मार्ग में? कोई कमर द्वारा राज दरबार दिखाया है राम का, कोई पांव पकार रहा है, पांव दबा रहा है, कोई पंखा जल रहा है, दिखाया गया कि नहीं? तो ये दास दासी कर्म दिखाया गया ना, नहीं दिखाया गया? दिखाया गया। लास्ट में अंत मत तो गते हो जाएगी ना कुछ की नहीं होगी? ये संस्कार पक्का हो जाएगा सृष्टि के अंतिम काल में। तो अंत मत जो गति बन गई बुद्धि की, संस्कार पक्के हो गए, वही संस्कार वहां सतयुग सरिता में जाके भोगे। कैसे भोगे? जैसे यहाँ समझ लो लौकिक दुनिया में कोई परिवार होता है, बड़ा परिवार, 6-8 भाई, 6-8 बहने, माँ बाप है, पूरे परिवार में बड़े भाई का वर्चस्व ज्यादा रहेगा या छोटे भाई का वर्चस्व ज्यादा रहेगा? बड़ी बहन का वर्चस्व ज्यादा रहेगा कि छोटी बहन का वर्चस्व ज्यादा रहेगा? बड़ी बहन का। जो सबसे छोटी बहन होगी उससे जो बड़ी बहन होगी उसकी बात उसे माननी पड़ेगी कि नहीं माननी पड़ेगी? रिगार्ड देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो आज की लौकिक दुनिया में भी जब ऐसे परिवार देखे जा सकते हैं जिनके लिए बाबा कहते हैं कि देवी देवता सनातन धर्म प्राय है लोप है, माने कहीं कहीं ऐसे परिवार भी देखने में आते हैं जहाँ परिवार का एक मुखिया राजा बनकर के जैसे अपने घर का राजा होता है, ऐसे कोई बात उसकी टाल नहीं सकता।
और बाकी जो नंबर वार हैं भाई बहने वो सब क्रम के चलते हैं, कोई एक दूसरे को करार नहीं करता। तो जब आज भी ऐसे परिवार देखे जाते हैं तो क्या सचिन में ऐसी प्रणाली नहीं चलेगी? ऐसी चलेगी, उनके संस्कार ही ऐसे होंगे जन्म से कि सहयोग करेंगे। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा राज्य की सरणी ही ऐसी होगी। लेकिन सचिन में छोटे बड़े का भान नहीं होगा? परिवार में छोटे बड़े का भान होता है क्या? परिवार में बाप जो होता है वो सबसे छोटा जो बच्चा होता है उसको क्या परवरिश नहीं करता? उसको अच्छा खाना नहीं देता क्या? आज के राजा हैं दूसरे तरीके के हैं, कहते हैं कि प्रजा हमारी बच्चे हैं, लेकिन बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं या पार्टी करते हैं। वहाँ पारकृति का नाम निशान नहीं, सब के प्रति आत्मभाव होगा। ये मेरा बच्चा है, छोटा बच्चा है सबसे छोटा है तो भी मेरा बच्चा है, बड़ा है तो भी मेरा बच्चा है। बाबा का विदेशी और विधानियों के प्रति दृष्टिकोण सौतेला है। सौतेला क्यों? बाबा की वाणियों से ऐसे लगता है। नहीं तो बाबा की वाणी में कहा रखता? बाबा तो कह रहे हैं आपकी स्थिति जान लो, आपकी स्थिति बनाओ, चाहे विदेशी हो चाहे स्वदेशी हो। बाबा को पार्टी साबित कर ही नहीं सकते, जो चाहे छोड़ लो। विदेशियों पर क्या रोक दिया कि विदेशी से बात सही मत लो? रोक दिया नहीं रोका? उनके लिए भी कहा है कि लास्ट तो पास, लास्ट में आने वाले भी पास जा सकते हैं। ठीक है, अंत में किसी का भी छुपा हुआ नहीं रहेगा, जो गुप्त से गुप्त है उसकी भी पगड़ौनी हो जाएगी। अभी तो पोता मेल अकेले एक बाप को दिया जाता है, एक बाप जानता है, उस पोता मेल की बाप को दूसरा नहीं जानता। अगर छुपाते रहे तो अंत में फिर क्या होगा? सबके सामने पकड़ौनी हो जाएगी, खुलासा हो जाएगा। स्थितियां परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी किसी का कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहेगा।